नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई को घर बैठे करते होंगे। पढ़ाई के सफर को हम लोग डेली निरंतर आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और कुछ न कुछ सीखने का प्रयास हमेशा कर रहे हैं। अभी हम लोग शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसी टॉपिक का हम लोग आज नेक्स्ट भाग पढ़ने वाले हैं। यानी पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने कुछ शब्दों का सही क्रम बनाया था। आज भी हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन होंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनका भी हम लोग बिल्कुल सही क्रम बनाएंगे। ठीक है, सभी लोग तैयार हो जाइएगा। अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग अपने सीजन को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जब बातें समझ में आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को लाइक करिएगा। चलिए अपने सफर को स्टार्ट करते हैं और आज के पहले क्वेश्चन से आपको मुलाकात करवाते हैं। सभी लोग फास्ट कमेंट करके बिल्कुल सही आंसर बताइएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, बहुत सरल क्वेश्चन होंगे, अच्छे से समझ के आंसर बताइएगा। आइए मिलते हैं आज के सफर के पहले क्वेश्चन से। मिलिएगा भाई, शब्द आपके सामने हैं, सभी को दिखाई दे रहा है, बस इन्हीं शब्दों का सही क्रम लगाना है। किस तरह इनका क्रम होगा? पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, सभी में शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का सही क्रम बताना है आपको। बताइएगा क्या हो जाएगा फर्स्ट का आंसर, जल्दी से देखो आंसर बताओ भाई। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आंसर क्या बनेगा? सभी लोग बताइएगा फास्ट कमेंट के द्वारा। आंसर देखो आने वाले हैं जस्ट, बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपने देखा क्या होगा भाई, घास से बात शुरू की जाएगी। सबसे पहले जो बात शुरू होगी वो कहाँ से होगी? घास से। अच्छा, ये घास के बाद किसका नंबर आएगा, मतलब घास को इनमें से कौन खाता है? तो आप कहेंगे टिड्डा, यही है ना। इसका मतलब सबसे पहले दो हो जाएगा, दो के बाद क्या हो जाएगा? पांच। सबसे पहले बात घास से शुरू हुई है, घास को किसने खाया? टिड्डा ने। अब टिड्डा को भी कोई खा सकता है इनमें से? बताइएगा, बिल्कुल सही, यानी मेंढक क्या नंबर हो जाएगा? चार। घास को टिड्डा ने खाया, इसके बाद में टिड्डा को मेंढक ने खाया। अच्छा, मेंढक को भी कोई खा सकता है? बिल्कुल, कौन? सांप खा सकता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर। ये देखिएगा आंसर सभी के आने लगे हैं, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे से आंसर आपके आए हैं। अच्छा, सांप हो गया था, अब सांप को भी कोई खा सकता है ना, कौन खा लेगा भाई? चील। इसका मतलब क्या बन जाएगा? तीन। यानी जो करेक्ट आंसर होगा 25413, बिल्कुल सही आंसर आया सभी का। आप लोगों ने बहुत अच्छे से बातों को समझा है और सरल तरीके से उसको और अच्छे से समझ लिया है और जल्दी से आपने आंसर बताया है। सभी का आंसर बिल्कुल सही है, सभी का आंसर सही है, आप सभी ने फर्स्ट का आंसर बिल्कुल सही बताया। सबसे पहले आपने देखा घास, घास को किसने खाया? मतलब टिड्डा ने। टिड्डे को किसने खाया? मेंढक ने। मेंढक को सांप ने, सांप को चील ने। हम लोगों ने छोटे से शुरुआत की है बड़े की ओर। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 25413। ठीक है, कहीं कोई समस्या किसी को? ये देखिएगा आंसर तो सेकेंड के भी आने लगे हैं। सेकेंड क्वेश्चन और भी सिंपल, और भी सरल है, बहुत सरल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आंसर आने लगे हैं, देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको कोई रोग होगा, तब इन शब्दों से आप परिचय होंगे, है ना। सबसे पहले रोग हो जाएगा, इसका मतलब कितने नंबर पहले होगा? तीन नंबर। अच्छा, रोग जब होगा, रोग के बाद आप कहाँ पहुँचेंगे? चिकित्सक के पास। कहाँ पहुँचेंगे? चिकित्सक के पास। क्या नंबर है? चार। अच्छा, रोग जब आपको होगा, आप पहुंचे डॉक्टर के पास, डॉक्टर से परामर्श करेंगे कि नहीं कि हमें इस तरह का रोग हुआ है, बताइए हम क्या करें? करेंगे ना, ये तो सबको पता होगा ना। हाँ, इसके बाद क्या नंबर हो जाएगा? एक हो जाएगा। आपको कोई रोग हुआ, आप पहुंचे डॉक्टर के पास, डॉक्टर से आपने परामर्श लिया और उसने बताया कि आपका हम उपचार करेंगे, यानी आपको दवा देंगे, क्या नंबर हो जाएगा? पाँच। अच्छा, आपको दवा मिल गई है, जैसे आपको दवा मिलेगी तो निश्चित है आपके स्वास्थ्य में लाभ हो जाएगा, इसका मतलब अब जो बचा है वो दो नंबर हो जाएगा। वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया, सही आंसर होगा 34152। बहुत सरल क्वेश्चन है, सभी लोगों को समझ में आता होगा, बस यही बात याद रखिएगा
जब क्वेश्चन सरल होते हैं तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि सरल क्वेश्चन से कभी भी कंपटीशन फाइट नहीं होता है। हाँ, ये निश्चित होता है कि अगर सरल क्वेश्चन को आप गलत कर ले जाएंगे तो आप कभी कंपटीशन निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो भी हैं बहुत सरल हैं, आप 100% एक्यूरेसी से आप आंसर दीजिएगा, आपके प्रत्येक आंसर 100% सही हों, ठीक है। आगे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, सभी लोग तैयार हो जाइएगा, बातों को अच्छी ढंग से समझिएगा और फिर आप आंसर बताइएगा। तो बताइएगा यहां तक आपको कोई समस्या, किसी भी विद्यार्थी को यहां तक कोई समस्या? तो ऐसा महसूस हो रहा है आपको कोई समस्या नहीं है, है ना, आपको सारी बातें सही ढंग से समझ में आ रही हैं। तो तैयार हो जाइए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और अगले क्वेश्चन के आंसर भी आप फास्ट कमेंट के द्वारा बताएंगे। ये लो क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत सरल बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सरल, इससे सरल क्वेश्चन आपको समझ लो इस टॉपिक में मिलेगा ही नहीं। बहुत सरल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से बताओ आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, कुछ सेकेंड लगने चाहिए आपके आंसर आने चाहिए। बिहार है, ब्रह्मांड है, बोध गया, विश्व है, भारत है, आपको पता है आप कहां से शुरुआत करते हैं? हमेशा याद रखिएगा, छोटे से शुरुआत करते हैं, बड़े की ओर जाते हैं, इसका मतलब इनमें सबसे छोटा जो है वो क्या है, बोध गया, कहां है, बिहार में है, इसका मतलब सबसे पहले शुरुआत हो जाएगी 3 से, बोध गया हो जाएगा। इसके बाद ये कहां है भाई, बिहार में, तो आप फर्स्ट नंबर लगा दीजिए, है ना, छोटे से हमेशा शुरुआत की जाती है, हमेशा याद रखिएगा, नहीं आप बड़े से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप कहाँ से शुरुआत करेंगे, छोटे से, मैंने आपको कई बार बताया है। तो यहाँ सबसे छोटा भाई कौन है, भाई बोध गया है ना, इससे ये कहाँ है भाई, बिहार में है। अच्छा, बिहार किस में हो जाएगा, तो आप कहेंगे भारत में, यानी 5 नंबर हो जाएगा, है ना, बात समझ में आ रही होगी सभी को। अच्छा, अब भारत कहाँ हो जाएगा, तो आप कहेंगे विश्व में हो जाएगा, तो आप 4 नंबर लिख दीजिए, और आपको ये तो पता ही है ये जो विश्व है ये कहाँ है, यानी ब्रह्मांड में, इसका मतलब 2 नंबर। वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया, जो करेक्ट आंसर होगा 315/42 बन जाएगा, यानी 31542, बिल्कुल सही आंसर आया, बहुत सरल क्वेश्चन था, किसी भी विद्यार्थी का ये गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सरल क्वेश्चन था, ठीक है। और क्रम को आगे बढ़ाए क्वेश्चन नंबर 4, और भी सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो और भी सरल है, जल्दी से पहचानिएगा क्या हो जाएगा। अच्छा, ऐसा लगता है ये सारे शब्द आपसे परिचय हैं, है ना, डाक पेटी है, पत्र है, लिफाफा है, वितरण है, निकासी है, ये सारे शब्दों से आप अच्छे ढंग से परिचित हैं। तो बताइएगा सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है, सबसे पहले होगा लिफाफा, क्या होगा, लिफाफा, क्योंकि लिफाफे में अब आप क्या करेंगे, पत्र डालेंगे, तो सबसे पहले हुआ लिफाफा, लिफाफे में क्या रखा आपने, पत्र को रखा। आपको कोई पत्र कहीं भेजना है, वही प्रोसेस है। वैसे मुझे पता है कि आप अब इस प्रक्रिया से कम गुजरते हैं, क्योंकि आपके पास मोबाइल है, तो आप सारी चीज़ें आप मोबाइल से करते हैं, ये प्रक्रिया अब आप बहुत बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन आप सबको प्रक्रिया पता है कि कैसे होता क्या है, ना। तो किसी को हमें अगर पत्र भेजना होता है तो प्रोसेस क्या बनता है, सबसे पहले लिफाफा हो जाएगा, लिफाफा में हम लोग पत्र रखेंगे, इसके बाद उसको हम लोग कहां ले जाएंगे, डाक पेटी में, यानी डाक पेटी का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। बात यहां तक सभी को समझ में आई होगी, सबसे पहले लिफाफा हो जाएगा, लिफाफे में हम लोग पत्र रखेंगे और उसको हम लोग कहां डालेंगे, डाक पेटी में। अच्छा, जैसे ही डाक पेटी में डालेंगे, इसके बाद में उसका क्या होगा, निकासी की जाएगी, उसको निकाला जाएगा, है ना। तो भाई निकासी हो गई, जब उसको निकाल लिया है, अब क्या किया जाएगा भाई, जहां पहुंचाना है वहां भेजा जाएगा, इसका मतलब उसका वितरण किया जाएगा, इसका मतलब चौथा पॉइंट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 32154 बन जाएगा। सबसे पहले आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने लिफाफा लिया, उसमें आपने पत्र को रखा, इसके बाद आपने डाक पेटी में डाला, और जब डाक पेटी में डाल दिया है उसकी वहां से निकासी हो जाएगी, और निकासी के बाद उसका वितरण कर दिया जाएगा। तो आप सभी का आंसर भी खैर बिल्कुल सही आया है, 32154 हो जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन था ये भी, दोनों क्वेश्चन बहुत सरल थे, ठीक है। और ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ठीक है, ये एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे से समझना कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इस बात को आप समझना।
और फिर आप आंसर बताना, ठीक है। हाँ सभी लोग बताइएगा यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई हैं कि नहीं, बताइएगा एक बार, सभी को समझ में आ रही है कि नहीं, और आगे बढ़ा जाए, बताइएगा यहाँ तक बात सबको क्लियर है, आगे और बढ़ना चाहिए। अभी शुरुआत है, शुरुआत में आपको सीख सकते हैं, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो निश्चित है आपके आंसर 100% सही आएंगे, ठीक है। तो आइएगा इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से मिलवाएं। अरे 5 और 6 तो बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोनों, इससे सिंपल क्वेश्चन तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ लीजिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, आंसर गलत होने की पॉसिबिलिटी तो बहुत दूर हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है, 100% कह सकते हैं ये आंसर आप गलत कर नहीं सकते हैं। देखिएगा क्या होगा आंसर, बताइएगा सही आंसर क्या बनेगा भाई, जल्दी से बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है, ठीक है, सही क्रम बनाना है, ये तो किसी का समझ लो गलत नहीं होना चाहिए, ये बहुत सरल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 6 से भी आप अच्छे ढंग से परिचित हैं ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में आपको अपने बचपन के दिन याद आएंगे कि आप बचपन में क्या प्रोसेस करते थे, ठीक है, उसी प्रोसेस से क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर हो जाएगा, बताइएगा। पहले 5 का मुझे आंसर चाहिए, 5 का आंसर क्या बनेगा बताइएगा सभी लोग। ये देखिएगा आंसर आने लगे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी के, बहुत सरल क्वेश्चन था आपका। सबसे पहले आप जानते हैं ये जो शब्द हैं, इन शब्दों में छोटे से हमें शुरुआत करनी पड़ती है, बड़े की ओर जाते हैं, तो सबसे पहले हमारी शुरुआत दिन से होगी, मतलब 3 नंबर हो जाएगा, है ना। अच्छा दिन के बाद क्या बनेगा, सप्ताह बनेगा, यानी भाई सप्ताह हो जाएगा 4 नंबर। सप्ताह के बाद क्या हो जाएगा, सप्ताह के बाद माह हो जाएगा, इसका मतलब 1 नंबर। और माह के बाद सबसे जो लास्ट में है वर्ष हो जाएगा, इसका मतलब 2 नंबर। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का, वेरी गुड, इसी तरह प्रयास करते रहिएगा, कुछ ना कुछ आप सीख जाएंगे निश्चित है, ठीक है। तो सभी का आंसर है 34/12, यानी क्या हो जाएगा, सबसे पहले दिन होगा, दिन के बाद सप्ताह हो जाएगा, सप्ताह के बाद महीना हो जाएगा, और महीने के बाद आपका वर्ष हो जाएगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, सभी को समझ में आया होगा, बस एक छोटी सी बात याद रखना, जब भी शुरुआत करें आप तो हमेशा छोटे से बड़े की ओर शुरुआत करें, ठीक है। चलिएगा ये तो क्वेश्चन सभी का सही था, आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर भाई प्रोसेस ये है कि एक बच्चा है रो रहा है, उसको चुप करना है, उसका क्या प्रोसेस होता है, बस वही समझ लो लिखा हुआ है, ठीक है। एक बच्चा है रो रहा है और वो शांत होना चाहता है, उसको क्या प्रोसेस होना चाहिए, तो बस वही शब्दों का अरेंज है। सबसे पहले एक बच्चा है, ठीक है, आपने समझ लिया, सबसे पहले बच्चे का हो जाएगा क्रम, यानी 2 नंबर। अच्छा आपको पता है रो रहा है, रोना हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चा जब रो रहा है तो उसकी माता जी हैं, वो आई हैं, इसका मतलब 1 नंबर, ठीक है। माता जी ने उसको दूध पिलाया, मतलब वो भूख की वजह से रो रहा था, इसका मतलब दूध पिलाया, तो 3 नंबर हो जाएगा। और अब बच्चा जो है वो मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसका पेट भर चुका है, उसकी भूख शांत हो चुकी है और बच्चा मुस्कुराने लगा, इसका मतलब आपका 5 नंबर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी, बस छोटी सी बात आपको समझना है, छोटे से शुरुआत करना है, बड़े की ओर जाना है। सबसे पहले बच्चे का क्रम लिया क्योंकि रोने, बच्चा रो रहा है, रोने की एक्टिविटी कर रहा है, तो बच्चा जब रोएगा तो उसकी माता जी आएंगी, उसको दूध पिलाएंगी, इसके बाद बच्चा मुस्कुराएगा, इसका मतलब आपका जो आंसर है बहुत अच्छे से सभी ने आंसर बताया, 24/135 इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन सरल है, सभी को पता है, लेकिन बस यही समझना कि सरल क्वेश्चन कहीं आपके गलत ना हो जाए। आप सभी से यही उम्मीद है, यही भरोसा है कि आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं इन सभी के आंसर आप बिल्कुल सही ढंग से समझ के सही आंसर बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे गलत हों तो ये सफर में हमें कहीं ना कहीं बड़ी समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है। आप हर तरह से सीखिएगा, बातों को समझिएगा, ठीक है, इसके बाद आप आंसर बताने का प्रयास करिएगा। 100% उम्मीद है आपका आंसर 100% एक्यूरेसी के साथ सही आएगा, ठीक है। बताइए यहाँ तक की सारी बातें सभी को समझ में आई हैं, तो फिर हम आगे और बढ़ें, कहीं कोई समस्या है किसी को,
वैसे सभी को कोई समस्या नहीं है, सभी को सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो चलिए फिर अपने क्रम को और आगे बढ़ाएं, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको मिलवाएं, मिलिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे, है ना। हाँ, बिना चश्मा के दिखाई दे रहे होंगे, जो लोग लगाए भी होंगे उनको भी हटाना पड़ेगा, ऐसा महसूस होता है क्वेश्चन के शब्दों को देखकर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखिएगा। वर्षा, धूप, बादल और बाष्प, ठीक है। हाँ, गौर करना, ये जो वर्षा है ना, पानी बरसने वाली प्रक्रिया है। नहीं, मुझे पता है आपका ध्यान कहीं और कहीं ना निकल जाए, ठीक है। हाँ, वर्षा जो है ना, वो बारिश है, उसकी प्रक्रिया है, बस यही बातें समझना है, नहीं तुम कहीं और खो जाओ, ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर गलत कर दो। वैसे मुझे भरोसा है आप इस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, आप इस दौर से नहीं गुजरेंगे, आप बिल्कुल उसी रास्ते पर जाएंगे जिस रास्ते पर आप अभी चल रहे हैं। तो बताइए क्या हो, क्या बनेगा क्रम क्वेश्चन नंबर 7 का, बताइएगा सभी लोग जल्दी से, 7 का क्रम क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ भाई। काफी लोग आंसर बताने का प्रयास कर रहे हैं, बस ये देखना है इनके आंसर सही है कि गलत है। देखो सबसे पहले क्या है, धूप निकली है, देखो बाहर जाके सभी लोग, सबसे पहले धूप निकली है, यानी 2 नंबर हो जाएगा। धूप जब बहुत तेज निकली है तो समझ लेना, जब धूप निकलती है तो बाष्पीकरण की क्रिया होती है, यानी बाष्प बनती है, यानी 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, धूप निकलती है तब बाष्पीकरण की क्रिया होती है और बादल बनते हैं, यानी 3 नंबर हो जाएगा। अच्छा, जब बादल हैं, आपको पता है जब बादल हो जाएंगे तो बादल क्या करेंगे भाई, वर्षा करेंगे, बारिश करेंगे, इसका मतलब 1 नंबर हो जाएगा। सबसे पहले धूप है, धूप के बाद जो प्रक्रिया है वो बाष्पीकरण की होती है, इसके बाद उससे बादल बनते हैं, और जब बादल बनते हैं तो बादल क्या करते हैं, बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर सभी का रहा है 24-31। इसी तरह आप अच्छे से प्रयास करिएगा, समय कम लगना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन का प्रोसेस पता है और क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के भी आंसर आते हुए, कई लोग क्वेश्चन नंबर 8 के भी आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छे से इसी तरह प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके लिए बहुत सरल है। कैसे सरल है, सबसे पहले आप जानते हैं फूल खिला है, क्या खिला है भाई, फूल खिला है ना। इसके बाद जब फूल खिला है तो मक्खी उसके आसपास घूम रही होगी, बिल्कुल। जब मक्खी आसपास घूमेगी और फूल से क्या बन, फूल के आसपास जब मक्खी घूमेगी और वो जाके वहाँ से शहद बनाएगी। अच्छा, जब शहद बनके तैयार होगा तो शहद से मोम बन जाएगी, इसका मतलब 4 नंबर हो जाएगा। इसका भी आंसर बनेगा 23-14, सभी के द्वारा आंसर बताया गया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, फूल के आसपास मक्खी घूम रही है, और क्या हुआ, उस मक्खी, यहां मक्खी का मतलब आप भौरे को भी समझना है, ठीक है, नहीं आप ये समझें कि शहद के आसपास मक्खी घूम रही हो। यहां जो क्रम टोटल बना है, ठीक है, तो मक्खी उसके बारे में बना है, मक्खी वो प्रोसेस होगा जो शहद बनाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले फूल हो जाएगा, फूल से फिर मक्खी होगा, मक्खी शहद बनाएगी, शहद से मोम बन के तैयार होगा, इसका मतलब जो सही आंसर है 23-14, ठीक है। हाँ, कई लोग इसमें देखो आंसर में थोड़े से डिफरेंट हुए थे, तो लेकिन अब पूरा भरोसा हो गया है कि आप इन क्वेश्चनों के आंसर को सही ढंग से समझ पा रहे होंगे, और उम्मीद है आगे के भी आंसर भी आप, आगे के सभी आंसर आप लोगों के बिल्कुल सही आएंगे, ठीक है। चलिए बताइएगा यहां तक की सारी बातें समझ गए, अरे बताइएगा यहां तक की सारी बातों को सही ढंग से समझ लिया है आपने, तो फिर आइएगा और आगे बढ़ते हैं और आज के सफर के नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं, ठीक है। तो मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी गुड, दोनों क्वेश्चन जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये वो क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा सरल तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अपने लेवल में ठीक क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में भी ठीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, सबसे पहले इन शब्दों में जो क्रम आएगा वो लुगदी का हो जाएगा। लुगदी का मतलब होता है लुगदी से कागज बनता है, ठीक है ना, वो प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लुगदी हो जाएगा, लुगदी से कागज बनेगा, यानी अब ये कागज वाला नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा।
सबसे पहले लुगदी हो जाएगा, लुगदी से कागज बनेगा, जब कागज बन के तैयार होगा उसका मुद्रण किया जाएगा, मतलब उस पर प्रिंटिंग की जाएगी, ठीक है। और जब कागज तैयार हो गया है, उसका मुद्रण हो गया है, अब उसका प्रकाशन होगा। अच्छा चलिए, जब कागज का प्रकाशन कर दिया है और प्रकाशन के बाद लोग उसको खरीदेंगे, तो खरीद का हो जाएगा, यानी चौथा वाला हो जाएगा। इसका मतलब इसका भी सही प्रोसेस होगा 13254। बातों को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। क्या हो जाएगा, सबसे पहले लुगदी का प्रोसेस आएगा, लुगदी से कागज बनेगा, कागज का मुद्रण होगा, फिर उसका प्रकाशन किया जाएगा, जिससे लोग उसको सबसे लास्ट में खरीद पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये प्रोसेस को भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी आप बहुत अच्छे से समझ के बताएंगे। देखो क्या होगा, सबसे पहले आपका आगमन होगा, सबसे पहले आपका आगमन होगा, आप आए हैं, आप आए हैं। जब आप आए हैं तो आप अपना परिचय बताएंगे, ठीक है। आगमन के बाद आपका परिचय होगा, इसका मतलब 5 नंबर हो जाएगा। आप आए हैं तो आप अपना परिचय बताएंगे कि आप हैं कौन, ठीक है। और आपने जैसे ही परिचय दिया, परिचय के बाद आपकी प्रस्तुति होगी, आप ये सही ढंग से प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। आपकी जैसे ही प्रस्तुति हुई है, आपने अच्छे से उसका परिचय दिया है, बहुत अच्छे से प्रस्तुति की है, इस पर लोग आपकी चर्चा करेंगे। जब लोग आपकी चर्चा करेंगे तो निश्चित है कहीं ना कहीं समाज में आपकी सिफारिश की जाएगी, इसका मतलब 2 नंबर हो जाएगा। वेरी गुड, आपका बिल्कुल सही क्रम बन के तैयार हुआ, 35142। कैसे होगा, सबसे पहले आप आए हैं, आपका आगमन हुआ है, अच्छा आपका आगमन हुआ है, इसके बाद आपने अपना परिचय दिया है। सबसे पहले आप आए हैं और आके आपने परिचय दिया है, परिचय के बाद आपकी प्रस्तुति हुई है, आपकी बहुत बेहतरीन प्रस्तुति हुई है, जिससे लोग वहाँ चर्चा कर रहे हैं। जब लोग चर्चा करेंगे तो समाज में आपकी सिफारिश बढ़ेगी, इसका मतलब पूरा क्रम बन के जो तैयार है वो 35142 है, ठीक है। सभी का आंसर ये भी खैर सही आया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सॉल्यूशन इसका, सबको समझ में आया होगा, ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कई बार आए हैं एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन, तो आप अच्छे से समझिएगा किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है, ठीक है। इसी भाषा को आप, ये जो शब्द दिए जाते हैं उसके अनुसार उनके क्रम को लगाया जाता है। तो आइए और अपने क्रम को आगे बढ़ाएं और आज के नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको मिलवाएं, तो आइएगा मिलिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छे, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 11 और उसका फिर आप आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। बताइएगा सभी लोग उसका आंसर क्या बनेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं समय दे दीजिए, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ सही आंसर आना चाहिए सभी का। बताइएगा 11 का आंसर क्या हो जाएगा, जब तक आप नहीं बताएंगे मैं नहीं बताऊंगा, ये भी निश्चित है, क्योंकि अब आप बहुत सारे क्वेश्चन को सीख चुके हैं, कौन सा प्रोसेस कैसे यूज होता है, और मुझे ये भरोसा है कि आप बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। कई सारे विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है, ठीक है। बस ये तय करना है कि आपके द्वारा बताया गया आंसर सही है कि गलत है, ये मुझे तय करना है। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे, जल्दी से बताइएगा सभी लोग बताएं, आंसर जो भी है वो सभी लोग बताया करें, ठीक है। हाँ गौर करिएगा, अगर इन शब्दों में देखें तो सबसे पहले ऐसा लगता है कि अपराध करने के बाद का प्रोसेस है ना। देखो दंड मिला, पुलिस है, न्यायमूर्ति है, फैसला है, ये सारी चीजें शुरुआत कहाँ से होती हैं, अपराध से। इसका मतलब आपने कोई अपराध कर दिया है, आपने किया है, निश्चित है ये, क्योंकि आप प्रोसेस को समझ रहे हैं, ठीक है। यानी कोई अपराध हुआ है, कोई अपराध हुआ है। जैसे ही कोई अपराध होता है, सबसे फर्स्ट काम पुलिस का होता है, वो पुलिस उसका देखेगी कि किसने अपराध किया है, ठीक है ना। और सबसे पहले जैसे ही अपराध हुआ है तो पुलिस का आगमन हुआ, यानी पुलिस आई है, पुलिस का स्टेप, पुलिस से आपकी चर्चा हुई है। अच्छा पुलिस का काम क्या रहता है, पुलिस जो है वो न्यायमूर्ति तक पहुंचाएगी, यानी जज तक आपका स्टेप पहुंचाएगी। इसके बाद आप जज तक पहुंच गए,
जब आपने अपराध किया है, ठीक है ना, जब आपने अपराध किया है, आपको पुलिस ले गई, आपके स्टेप को न्यायमूर्ति, जिसे हम लोग जज कहते हैं, जज तक पहुंचाएगी और जज ने फैसला दिया है। जज वहां पे फैसला करके बताएगा कि आपने अपराध किया है तो आपको कुछ ना कुछ फैसले में दंड मिलेगा, ये भी निश्चित होता है। तो इसके बाद आपका टोटल जो प्रोसेस है वो बन के तैयार है 31452। क्या बन जाएगा? 31452 आपका प्रोसेस बन के तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आपने कोई अपराध किया है, उस अपराध को पुलिस के पास पहुंचा है और पुलिस उसको जज तक पहुंचाएगी, जज उसका फैसला करेगी और फैसला करने के बाद में आपने अपराध किया है इसलिए आपको दंड दिया जाएगा। टोटल प्रोसेस बन के तैयार होगा 31452, ठीक है। आप लोगों में कई सारे विद्यार्थियों का आंसर खैर बिल्कुल सही आया है, इसी उम्मीद के साथ आप लोग प्रयास करते रहिएगा, आपके आंसर 100% सही आएंगे, ठीक है। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, यह भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखे तो आजकल मानसून भी बहुत ज्यादा है, बाढ़ भी ज्यादा आ रही है, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह आप लोग क्या प्रोसेस करेंगे, किस तरह आप उस दौर से गुजरेंगे, लोगों की कैसे मदद करेंगे, ये जो स्टेप है इसी स्टेप को कुछ शब्दों में उसने लिखा है, आपको सही ढंग से लगाना है। तो आपको लगाना है कि सबसे पहले क्या होगा। आप देखते हैं जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने का मेन कारण क्या होता है? वर्षा, है ना। वर्षा जब होती है तब बाढ़ आती है। अच्छा, वर्षा कैसे होती है? वर्षा तब होती है जब मानसून बनते हैं। तो बस आपकी शुरुआत यहीं से हो गई। कहां से हो गई? मानसून से। इसका मतलब दो नंबर सबसे पहले हो जाएगा। सबसे पहले मानसून बना, जब मानसून बनेगा तो निश्चित है वर्षा होगी। अच्छा भाई, वर्षा हो गई, है ना। सबसे पहले मानसून बना, मानसून से भाई वर्षा हुई और वर्षे से क्या आई है? बाढ़ आई है। आप समझ गए, जब बाढ़ आई है तो लोगों को जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, लोगों को हेल्प की जरूरत होगी, आप हेल्प करेंगे, उनका बचाव करेंगे। सबसे पहले आपने देखा मानसून बना, मानसून ने वर्षा की, उस वर्षा से बाढ़ आई है, बाढ़ आई है, आप क्या करेंगे? लोगों में बचा, लोगों का बचाव करेंगे, उनको बचाएंगे, पानी से उनको निकालेंगे, ठीक है। जब उनका बचाव करेंगे तो वो जो लोग हैं वो आपकी शरण में आएंगे, क्योंकि उनके पास तो कुछ नहीं है, बाढ़ में उनका सब कुछ तहस नहस हो गया है। अच्छा, वो आपकी शरण में आ गए, पांच नंबर हो गया। जब वो आपकी शरण में आए हैं तो निश्चित है वो भूखे प्यासे भी होंगे, उनको कई सारे सामान की जरूरतें होंगी, तो आप उनको थोड़ी सी राहत देंगे। क्या देंगे? कुछ सामान पहुंचाएंगे, है ना, उनको थोड़ी राहत मिलेगी। बस यही क्रम पूरा बन के तैयार था। 21, 43, 56 आपका बिल्कुल सही क्रम बनेगा। आप देखिएगा शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे कैसे स्टेप गुजरते हैं, कैसे कैसे दौर गुजरते हैं, बस उसी दौर से आपको, और जैसे शब्द दिए गए हों उन्हीं शब्दों के अनुसार आपको क्रम बनाना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ? मानसून बन के तैयार हुआ। मानसून ने क्या की? बारिश की। बारिश से क्या हुआ? बाढ़ आई है। जब बाढ़ आएगी तो भाई जो लोग बाढ़ में परेशान हैं, ठीक है ना, जिन लोगों का बाढ़ से सब कुछ तहस नहस हो गया है, तो ऐसा लगता है कि लोग उनका बचाव करेंगे। जब लोग बचाव करेंगे तो वो लोग उनकी शरण में आएंगे, और लोगों जब लोग उनकी शरण में आएंगे तो लोग उनकी राहत, मतलब उसको खाद्य सामग्री वगैरह या जो भी उनके सामान है, जरूरतमंद सामान है, उनको पहुंचाएंगे, वो राहत के द्वारा हो जाएगा। पूरा क्रम बनाएंगे तो बनके तैयार होगा 21, 43, 56, ठीक है। तो बताइएगा यहां तक सारी बातें समझ में आई हैं सभी को कि नहीं? देखिएगा सभी को सारी बातें समझ में आई होंगी। बहुत ये अच्छे क्वेश्चन थे, बेहतरीन क्वेश्चन थे, और ये वो क्वेश्चन थे जिसमें लोग अक्सर देखें तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बहुत सरल तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, अपने लेवल में कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो आप भी क्वेश्चन को सही ढंग से समझा करें, शब्दों का सही ढंग से पहचान किया करें कि उन शब्दों को कहाँ सही अरेंज करें जिससे पूरा सही क्रम बन के तैयार हो। तो आइएगा इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं और नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको मिलवाएं, तो मिलिएगा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सरल क्वेश्चन है ये भी भाई, 13 और 14 बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बताइएगा सबसे पहले 13 का क्रम बनाइएगा, सभी लोग 13 का क्रम बनाएंगे, क्या बनके तैयार होगा? बहुत सरल है, सभी का सही होना चाहिए। बनाओ भाई जल्दी से,
जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का क्रम बनाओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल है, सरल क्वेश्चन है ये भी। और 14 तो और भी सरल है, सबसे सरल क्वेश्चन तो 14 दिखाई दे रहा होगा, है ना। बताइएगा 13 और 14 क्या प्रोसेस, फास्ट आंसर बताएं, ये आपके द्वारा बताए जाने चाहिए आंसर, क्योंकि सिंपल है, सरल है ये, और किसी भी विद्यार्थी के ये आंसर आपके गलत ना हो, ये बस गौर करिएगा, आंसर आपके गलत नहीं होना चाहिए, सभी लोग ध्यान दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 13 का आंसर क्या बनेगा, क्या क्या लिखा था, ट्रिलियन लिखा था, हजार, बिलियन, सैकड़ा, मिलियन, इस तरह लिखे हुए थे, ठीक है। तो अगर इनमें सबसे छोटा पॉइंट देखें, सबसे छोटा पॉइंट देखें तो क्या हो जाएगा, सैकड़ा, क्या बनेगा, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब सैकड़ा से शुरुआत हो रही है, 100 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके बाद सैकड़ा के बाद क्या हो जाएगा, हजार हो जाएगा, है ना, यानी दो नंबर हो जाएगा। हजार के बाद आपको पता है, अगर इस भाषा में बात करते हैं तो मिलियन होता है, क्या होता है, मिलियन, यानी पांच हो जाएगा। सैकड़ा हुआ, हजार हुआ, हजार के बाद मिलियन आता है, और मिलियन के बाद बिलियन होता है, ये देखो तीन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा। सबसे पहले सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजार, हजार के बाद मिलियन हुआ, मिलियन के बाद बिलियन हो जाएगा, इसके बाद में ट्रिलियन हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर। तो आपका टोटल आंसर तैयार है 42531, ठीक है, सरल क्वेश्चन था, बहुत सरल क्वेश्चन था, सभी का आंसर बिल्कुल सही आएगा। अच्छा ये तो और भी सरल है, ये वाला क्वेश्चन तो 14 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या है, क्योंकि आप सबसे पहले प्रोसेस यहाँ ऐसा लगता है जैसे हमें सब्जी बनाने का प्रोसेस है, है ना, तो सबसे पहले आप बाजार जाएंगे क्योंकि सब्जी वहीं से लाएंगे, है ना, तो आप समझ लो बाजार गए हैं, कहाँ गए हैं, बाजार, वहां से लाए क्या हैं, सब्जी लाए हैं भाई, जब बाजार गए हैं वहां से सब्जी लाए हैं, ठीक है। अच्छा बाजार गए हैं, वहां से सब्जी लाए हैं, सब्जी समझो घर में आ चुकी है, अब आपका प्रोसेस क्या होगा, आप सब्जी को काटेंगे, है ना, काटने के बाद में क्या करेंगे, उसको पकाएंगे, लो भाई पका दिया है, जब सब्जी पक जाएगी, जिसे हम लोग भोजन के रूप में जानते हैं, हमारा भोजन बन के तैयार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भोजन बन के तैयार हो जाएगा, तो पूरा जो क्रम बनेगा 43152 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या था, आप बाजार गए, बाजार से सब्जी लाए हैं, सब्जी को आपने अच्छे ढंग से काटा है, काटने के बाद में आपने उसे पकाया है, और पकाने के बाद में आपका भोजन बन के तैयार है, ठीक है। और इसका जो फास्ट आंसर बताया है वो काफी लोगों ने बता दिया था, बहुत जल्दी से आंसर बताया था, इसी तरह आप सिंपल क्वेश्चन को सही ढंग से समझिएगा और सही ढंग से आंसर बताइएगा, ठीक है। तो आइए यहां तक आपको सारी बातें सही ढंग से समझ में आई होंगी, तो आज के सफर को और थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको मिलवाएं, यही गौर करना सभी लोग, अगले क्वेश्चन जो भी आपके सामने आए आप उनको भी सही ढंग से समझ पाएं और बिल्कुल अच्छे अच्छे मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ सभी लोग सही आंसर बताएं, ठीक है। तो आइएगा मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर बताइएगा, बातों को सही ढंग से समझिएगा, शब्द जिस तरह लिखे हैं उस तरह आप शब्दों को पहले देखें और उस तरह उनका क्या दौर बनता है, क्या क्रम बनता है, वो आप सही ढंग से लगाएं, ठीक है। तो आइएगा देखते हैं, गरीबी, मृत्यु, बीमारी, बेरोजगारी, आबादी, ऐसा कुछ था, है ना। देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, हम लोग देखते हैं ये सारा जो दौर है, ये सारा जो प्रोसेस है, ये जब हमें इस दौर से गुजरना पड़ता है तो इसका जो मेन कारण है वो है आपकी आबादी, क्या है, आबादी, यानी जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है, आबादी बढ़ रही है, तो हमने दो नंबर सबसे पहले लिया। सबसे पहले जब आबादी बढ़ेगी तो निश्चित है आबादी बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, ठीक है, आबादी बढ़ रही है तो बेरोजगारी बढ़ेगी, इसका मतलब चार हो जाएगा, और जब बेरोजगारी बढ़ेगी लोगों के पास पैसे आएंगे नहीं, ठीक है, तो लोगों का जीवन है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा, इसका मतलब उनमें परिवार में गरीबी छा जाएगी, एक नंबर, ठीक है। ये सब
क्रम जो है वो शुरुआत कहाँ से हुई थी, आबादी बढ़ने से। तो जैसे ही आबादी बढ़ी लोगों में बेरोजगारी छाई, बेरोजगारी छाने के बाद लोगों में परिवारों में गरीबी आई, और जब गरीबी आ जाएगी तो निश्चित है ऑटोमेटिक है बीमारियां भी बढ़ेंगी। ठीक है, बीमारियां बढ़ेंगी तो 5 नंबर हो जाएगा। और आपको पता है जब बीमारियां बढ़ती हैं, आप अभी देख रहे हैं किस माहौल से हम लोग गुजर रहे हैं, जब बीमारियां बढ़ती हैं तब मृत्यु की संख्या भी होती है, ज़्यादा बढ़ती है, मृत्यु भी होती है। इसका मतलब 3 नंबर हो जाएगा। इसका जो भी आंसर बन के तैयार होगा हो जाएगा 24153। कई सारे विद्यार्थियों ने इसका भी आंसर बिल्कुल सही बताया। ठीक है, इसी तरह बातों को आप अच्छे ढंग से समझिएगा। सबसे पहले आप वो पॉइंट देखिएगा जहाँ से ये सारा स्टेप शुरू हो रहा है। तो आपने देखा जब आबादी बढ़ रही है लोगों में बेरोजगारी छाएगी, है ना, क्योंकि आबादी जनसंख्या ज़्यादा हो रही है। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो भाई परिवार में गरीबी आएगी, पैसे आएंगे नहीं, और फिर जब पैसे नहीं आएंगे तो कैसे खाना पीना होगा, यानी गरीबी हो गई है। जब गरीबी बढ़ती है ज़्यादा तो फिर निश्चित है भूखे रहेंगे, तो शरीर का डाइजेशन आपका चेंज हो जाएगा, तो आपको बीमारी भी होगी, और जब बीमारियाँ बढ़ती हैं तो निश्चित है मृत्यु भी होती है। इसका मतलब लास्ट में मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्रम बन के तैयार हुआ 24153। बताइएगा ये बातें सबको समझ में आ रही हैं कि नहीं। अरे अगले क्वेश्चन के भी आंसर आने लगे हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर सभी का आ रहा है। बहुत सही, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। यहाँ कई प्रकार के आपको दिखाई दे रहा होगा जानवर लिखे हुए हैं। आपको पता है जानवरों का अरेंज किस तरह होता है, मैंने आपको कई बार बताया है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमेशा याद रखिएगा जब भी इसका आपको क्रम बनाना पड़ता है छोटे से बड़े की ओर बनाया जाता है। यहाँ जो जानवर है इनका छोटे से बड़े की ओर यदि क्रम बनाए तो इनमें से सबसे छोटा जो है वो मच्छर होता है। इसका मतलब 3 नंबर, सबसे छोटा मच्छर होता है, 3 नंबर हो जाएगा। इसके बाद जो क्रम है बिल्ली का होगा, यानी 2 नंबर हो जाएगा, है ना। मच्छर, मच्छर के बाद बिल्ली हो जाएगा, बिल्ली के बाद बाघ होगा, 4 हो जाएगा। मच्छर, मच्छर के बाद बिल्ली, बिल्ली के बाद बाघ, बाघ के बाद हाथी का क्रम आएगा, क्योंकि व्हेल जो है वो सबसे बड़ा है, यानी सबसे लास्ट में जाएगा, हाथी के बाद व्हेल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो टोटल जो क्रम बनेगा 32415 हो जाएगा। सबसे पहले छोटे से आपने शुरुआत की, मच्छर, बिल्ली, बाघ, हाथी और व्हेल सबसे लास्ट में सबसे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब जो सही क्रम बनेगा 32415, बिल्कुल सही। काफ़ी लोगों का ये भी आंसर सही आया। इसका मतलब आपने बातों को अच्छे ढंग से समझा है, है ना, और सही ढंग से समझ लिया है। और अब आपके एग्जाम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित है 100% एक्यूरेसी के साथ सही करेंगे और वहाँ से अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करेंगे। तो बताइएगा यहां तक कि आपको सारी बातें समझ में आई कि नहीं, बताइएगा कोई डाउट किसी को, सारी बातें सब क्लियर हैं। अच्छा, तो ऐसा महसूस होता है कि हम लोगों का आज का सफर यहीं तक का है। ठीक है, आज का सफर हम लोगों का यहीं तक का है। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, और आप लोग अच्छे से घर में प्रयास करते रहिएगा, और जिन लोगों को मतलब ये टेस्ट के बारे में मालूम ना हो तो वो लोग हमेशा याद रखें, रिवीजन आप लोग डेली करेंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल पे आप सभी लोग जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है। उसमें डेली आपके रिपीट क्वेश्चन टेस्ट होते रहते हैं, डेली आपको रिवीजन होता रहता है। आप अच्छे से रिवीजन करिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। आपके एग्जाम का सफर शुरू हो गया है, आपके एग्जाम अब शुरू हो गए हैं, तो आप अच्छे बेहतरीन प्रदर्शन करिएगा एग्जाम में और अपनी सफलताओं को सही ढंग से पाइएगा। जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो वहां पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लासों के लाइव नोटिफिकेशन उनको सही समय पर मिल सके, कोई समस्या ना हो। ठीक है, सभी लोग अच्छे ढंग से रहिएगा और पूरा प्रयास करिएगा अच्छे ढंग से आपका प्रदर्शन हो। चलिए, आज का सफर हम लोगों का यहीं तक का है। अगली मुलाकात फिर होती है आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।